इंदौर लोकायुक्त की टीम ने सांवेर के दर्जी कराड़िया गांव के पटवारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पटवारी ने जमीन के नक्शे को ठीक करने के लिए कराड़िया गांव सरपंच से रिश्वत मांगी थी, जिसकी उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन सूबे के अधिकारी कर्मचारी शासन की मंशा को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर जिले की सांवेर तहसील के दर्जी कराड़िया गांव का है, जहां सरपंच कलम चौधरी की शिकायत पर हल्का नंबर 41 दर्जी कराड़िया तहसील सांवेर के पटवारी 28 वर्षीय सुबोध सुमले को लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल सरपंच कलम चौधरी को उनकी जमीन का नक्शा ठीक करना था, जिसके लिए उन्होंने पटवारी सुबोध सुमले से संपर्क किया, जहां पटवारी ने कहा कि इसके लिए उनकी जमीन के पड़े उसके भू मालिकों से सहमति भी लेनी पड़ेगी और इसमें पटवारी द्वारा आवेदक सरपंच से 1 लाख रुपए की मांग की गई, जहां बातचीत में मामला 85,000 रुपए में तय हुआ, जिसके बाद सरपंच ने 5,000 रुपए पटवारी को अग्रिम राशि के तौर पर दे दी। वहीं सरपंच ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को पूरे घटनाक्रम बताते हुए शिकायत की, जहां सोमवार को पहली किस्त के तौर पर 40,000 रुपए पटवारी सुबोध को देने के लिए सरपंच कलम चौधरी ने पंचायत भवन बुलाया, जहां भ्रष्ट पटवारी ने जैसे ही सरपंच से पैसे हाथ में लिए और रुपए बैग में रखे, मौके पर मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट पटवारी सुबोध सुमले को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। लोकायुक्त इंदौर के डीएसपी प्रवीण बघेल ने बताया कि आरोपी पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और धर्मपुरी पुलिस चौकी स्थित आरोपी को लाकर कार्रवाई की गई। पटवारी ट्रेप किए हैं, क्या है सर पूरा मामला और क्या नाम है? सांवेर तहसील में दर्जी कराड़िया गांव है, वहां के सरपंच है कमल चौधरी। इनको अपनी जमीन का नक्शा पटांकन कराना था, मतलब नक्शे को कुछ ठीक कराना था, संशोधन उसमें गड़बड़ हो गया था, ऑफिशियली गलती थी वो, जिसके लिए इन्होंने जो पटवारी है वहां के उनसे संपर्क किया, तो पटवारी के द्वारा बताया गया कि भाई ये तो कठिन काम है, ऑफिस में जो है आपको वहाँ से सुधार होगा इसमें, तो और इसमें भूमि स्वामियों की भी आपको सहमति लेनी पड़ेगी और इसमें तुमको 1 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे। इसी बात की शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है इनकी रिकॉर्डिंग कराई गई छाया साक्षी भेजकर, और रिकॉर्डिंग में जो है पटवारी के द्वारा 85,000 रुपये का लेन देन बातचीत के दौरान तय होना पाया गया। उसी आधार पे आज जो है ट्रैप दल का पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठन किया गया था और अभी इनको दर्जी कराड़िया जो गांव है वहां का जो ग्राम पंचायत भवन है उसके प्रांगण में इनको पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अभी हमने पकड़ा है। 5,000 रुपए जब इनकी बातचीत हो रही थी उसी दौरान पटवारी के द्वारा ले लिए गए थे और अभी हम इनसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। पटवारी का क्या नाम है सर? पटवारी का नाम है सुबोध सुमले, जो पटवारी हल्का नंबर 41 ग्राम दर्जी कराड़िया के अंतर्गत आता है। सर आपका शुक्रिया। मैं डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल लोकायुक्त इंदौर से। सांवेर से अरविंद पटेल की रिपोर्ट।